Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing tissue and this is a lecture number 11. I hope you have already watched part 1 to part 10 before watching part 11. 10th lecture mein humne baat kiya tha connective tissue ke baare mein aur connective tissue ke baare mein ye baat kiya tha connective tissue kya hota hai aur ye kisko connect karta hai, iske matrix kya hote hain और इस मैट्रिक्स में जो ग्राउंड मटेरियल होती है वो क्या होती है और इसके अंदर जो फाइबर होता है मैट्रिक्स के अंदर वो कैसा होता है, किसके कितने तरह का होता है और फाइबर किन से बनता है, ये सारी बातें की थी। उसके बाद हमने ये बात किया था कि कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह का होता है। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू को बेसिकली तीन भागों में बांटा था, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू वाइडली स्पेस टिश्यू होता है, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और ये दो तरह के होते हैं, एक एरोलार और दूसरा होता है एडिपोज। तो ये दोनों के विशेष फंक्शन के बारे में, कहाँ मिलता है, किन से बना होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें तो आपको समझ आएगा। आज हम बात करने वाले हैं डेंस कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह का होता है और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात तो हो चुकी है, आज डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो तरह के टिश्यू की बात की थी कि एक होता है एरोलार और दूसरा होता है एडिपोज, और इनकी हमने बात की थी। अब आज हम बात करने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें भी दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है लिगामेंट और दूसरा होता है टेंडन। टेंडन लिगामेंट क्या होता है, अब एक एक करके इसके बारे में जरा पढ़ते हैं कि लिगामेंट क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। लिगामेंट, लिगामेंट के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि लिगामेंट क्या होता है। A connective tissue which connect two bones, a connective tissue which connects two bone, connects two bones is called ligament, ligament. What are the characteristics? It is इलास्टिक, पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज वेरी इलास्टिक। इलास्टिक, इलास्टिक होने की वजह से क्या होगा, व्हाई व्हाई इट इज वेरी इलास्टिक, बिकॉज इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन एंड कोलाजन फाइबर, एंड कोलाजन फाइबर इनसे बना होता है, इसलिए इसकी इलास्टिक इलास्टिसिटी जो होती है बहुत इलास्टिक होता है। एंड हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एज वेल, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, ठीक है। एक ये होता है, इसके जो इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है वो बड़ा ही कम होता है, वेरी लेस इंटर सेलुलर स्पेस। क्यों इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होने की वजह क्या है, क्योंकि ये है डेंस इलास्टिक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इनके इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। तो बहुत कम होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये इलास्टिन प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, कोलाजिन फाइबर को कंटेन करता है, इसलिए बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, राइट। अगर आप ये देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो लिगामेंट है यहाँ पे आप देखिए, ये लिगामेंट, ये एक बोन है, ये एक बोन है, इन दोनों बोन को कनेक्ट करने का काम जो कर रहा है ये टिश्यू जो है ये कहलाता है लिगामेंट। सो लिगामेंट इज नथिंग एल्स बट ए कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन्स, राइट, एंड दिस टिश्यू कनेक्ट टू बोन्स एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट इज अ टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन्स। द अनदर टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन। टेंडन व्हाट दे डू, टेंडन इज कनेक्टिंग मसल्स विथ बोन, दिस इज ए बोन, दिस इज ए मसल,
and bone and muscle, these two are connected, and that is called tendon. So let me discuss about the tendon now. Tendon, it is a tissue which connects bone and muscles, मसल्स राइट ना, ये दोनों को कनेक्ट करता है. अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इट इज फाइबरस दैट इज मेड ऑफ फाइबर्स. व्हाट टाइप ऑफ फाइबर, कोलाजन फाइबर से बना होता है. ये कोलाजन फाइबर से बना होता है, फाइबरस होता है. इट इज ए फाइबरस टिश्यू मेड ऑफ कोलाजन फाइबर्स. ये इसकी करेक्टर, इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती इसकी फ्लेक्सिबिलिटी. और इसकी जो होती है वो गुड स्ट्रेंथ होती है, गुड स्ट्रेंथ, इट हैज वेरी गुड स्ट्रेंथ. इतना जबरदस्त स्ट्रेंथ होता है ताकि ये बोन को पूरी तरह से पकड़ के रखता है, अदरवाइज बोन जो है वो क्या हो जाता, अलग हो जाता है. फ्लेक्सिबिलिटी इसकी भी होती है बट कम होती है उसके मुकाबले, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को हम कहेंगे लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. इट हैज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इनकी होती है. तो टेंडन जो है वो बोन को और मसल्स को, दोनों को, ये मसल्स और बोन दोनों को कनेक्ट करता है ये टिश्यू टेंडन, और इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स होती है. तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल और बोन को, दोनों को कनेक्ट करता है, राइट ना. नाउ जो नेक्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि मैंने बताया है. तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह का होता है, मेनली उसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एक होता है कार्टिलेज, दूसरा होता है बोन, और तीसरा होता है ब्लड. ये तीनों में बहुत फर्क है. कार्टिलेज जो होता है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है. बोन जो होता है बहुत हार्ड होता है, वेरी डिफिकल्ट टू बेंड इट. एंड ब्लड जो होता है वो फ्लूड होती है व्हिच ट्रांसपोर्ट, राइट. सो ये फ्लूड टाइप का होता है. तो तीनों में अलग अलग करेक्टर है. कार्टिलेज के बारे में सबसे पहले सीखते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है. कार्टिलेज अगर आप देखें तो ये है कार्टिलेज, ए लाइन कार्टिलेज की एक फिगर दी गई है. इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो मिलते हैं, जो सेल है उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. ए लाइन मैट्रिक्स होती है, और ये कार्टिलेज जो होता है वो क्या करता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज. तो कार्टिलेज की जो स्थिति है, कार्टिलेज बेसिक कैसा होता है, अगर आप कंपेयर करें तो देखेंगे कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो पहले इतने तगड़े तगड़े बोन तो होते नहीं है, इतने हार्ड बोन होते नहीं है, बहुत सॉफ्ट होता है. और सॉफ्ट होने की वजह से इस तरह के कार्टिलेज होते हैं. जब कोई बेबीज पैदा होता है तो उसके अंदर कार्टिलेज ऐसे होते हैं, और आपको पता होगा कि जब बेबी पैदा होता है तो लगभग 280 बोन्स होते हैं, लगभग उसके 280 to 307 बोन्स होते हैं. जब वो फिर थोड़ा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो ये जो कार्टिलेज हैं छोटे छोटे, ये जो है वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये जो बोन रहता है एक एडल्ट के पास, वो 208 रहता है. तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है, ये ईयर में होता है, ईयर में, राइट. यहाँ पे क्या होता है, नोज में कार्टिलेज होता है. उसके अलावा लैरिंक्स में होता है, ये जो हमारा वॉयस बॉक्स है इसको लैरिंक्स कहते हैं, इसमें होता है. ट्रैकिया जो होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब है उसको ट्रैकिया कहते हैं, इसमें भी होता है, रेस्पिरेटरी में. इन सब में क्या होता है, ये होता है हमारा कार्टिलेज. तो कार्टिलेज जो है वो कहीं कहीं बहुत सॉफ्ट है, जैसे ये जो है हमारे ईयर का, ये बड़े ही आसानी से बेंड हो सकता है, नाक के अंदर का भी बेंड हो सकता है आराम से. लेकिन यही कार्टिलेज जब है जहाँ
बोन के साथ वहां पे ये आसानी से बेंट नहीं हो सकता। तो इसकी बहुत ही वाइड रेंज है इस कार्टिलेज का, और कार्टिलेज शुरू में जो आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे और सॉफ्ट है, इसलिए इंट्रा सेलुलर स्पेस इसमें ज्यादा होता है थोड़ा कंपेरेटिवली, इसलिए सॉफ्ट होता है। और इसकी मैट्रिक्स जो होती है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की होती है। उसके मैट्रिक्स में क्या होता है ये हम समझने की कोशिश कर। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट, इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज इज, इट इज ए सेमी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू राइट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज सेमी ट्रांसपेरेंट मैच्योर कार्टिलेज, मैच्योर कार्टिलेज एज रिलेटिवली सॉलिड, सॉलिड होता है जो मैच्योर कार्टिलेज होता है वो सॉलिड हो जाता है, और जो पहले का होता है वो बेसिक जो शुरू में होता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल और कनेक्टिव टिश्यू होती है। ये थोड़ा मैच्योर कार्टिलेज जो होता है वो रिलेटिवली सॉलिड स्ट्रक्चर का होता है, ऑल्सो इलास्टिक नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। और एक काम क्या करता है जी, अब सवाल है कि करता क्या है, तो इट मेंटेन्स, इट मेंटेन्स द शेप, शेप इट मेंटेन्स द शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी एंड सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी राइट। तो ये काम करता है, दिस इज द फंक्शन। तो ये इसका बेसिकली एक फंक्शन हो गया, कि इसका क्या फंक्शन है, कोई पूछे आपसे तो ये बता देंगे। अब सवाल है कि कोई पूछ दे आपसे कि अच्छा मिलता कहाँ है जी, तो ये मिलता कहां कहां है, सो फाउंड इन, इट फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, ट्रैकिया है ना, और ट्रैकिया के अलावा लैरिंक्स में, लैरिंक्स में और में मिलता है, इन सब जगहों पे मिलता है। एंड और कहां मिलता है, एंड कवरिंग द जॉइंट्स, कवरिंग द जॉइंट्स, जॉइंट्स के कवर पर मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो बताता है इसका कि कहां पे ये मिलता है और इसके क्या फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंक्स, ये है ट्रैकिया और ये लैरिंक्स यहाँ पे मिलता है। इनपे ये क्या है, ये वॉइस रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है, ये वॉइस बॉक्स होता है, तो इन जगहों पे ये मिलता है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि इन जगहों पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, फिर यहाँ पे मिलता है, ये भी है, यहाँ पे भी मिलता है, तो इन जगहों पे ये मिलता है और ये कार्टिलेज का ये काम है। आई होप यू गॉट इट, एनफ इंफॉर्मेशन। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज अ बोन, सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्टिव, सॉरी नाउ सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज बोन, एंड बोन इज नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, बोन इज नॉन फ्लेक्सिबल, व्हाई, बिकॉज इट हैज कंपैक्ट बोन, इट कैन नॉट बी मूव इजली, सो बोन इज, बोन, बोन इज नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड इनफ, मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस
कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ होता है ये बोन, और ये नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है बोन। सो ये इसके बारे में खास बातें हैं। उसके अलावा अब इसके बारे में और क्या क्या खास बातें हैं, इट सपोर्ट, इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ दैट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, राइट। इट सपोर्ट्स, इट एंकर्स, इट एंकर्स मसल्स, मसल्स एंड सपोर्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये बोन के बारे में है। ये कंपैक्ट होता है, इस ये बना होता है किससे, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है बोन। तो बोन जो है ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ये बहुत हार्ड होता है। ये क्या होता है, इसकी खास खूबी क्या है कि नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि आसानी से इसे बेंड किया जा सके, नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। बोन सेल्स आर embedded in hard matrix that contains what, calcium and phosphorus, ठीक है। तो ये जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही कंपैक्ट होता है। इसके अंदर जो होता है ये आप देख रहे हैं कि रेड ब्लड कैप्सूल्स होता है, नर्व होता है, फाइबर होता है, और ये सारा चीज मिल करके बनता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, इवन दो देयर इज ए फाइबर बट इट इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। और ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ होता है। बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, राइट। तो ये होता है बोन सेल्स का। तो बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, हार्ड मैट्रिक्स से बना होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, क्या करता है बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, यानी स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का, और मसल्स को एंकर करता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, अदरवाइज बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो बोन की सपोर्ट ना हो तो बाहर निकल के आ जाए। तो ये सारी काम बोन का होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप इससे परिचित होंगे भली भांति, और ये बोन का काम है। अगला जो है वो क्या है, ब्लड। Next is blood. So what we have to discuss is about the blood. Blood is also a connective tissue which is a flow in vessel. It is basically transportive tissue as well, but blood is called connective tissue. Why would it connect? Why it is called connective tissue? Because it spread the waste material, gases and minerals, waters, etc. from one place to another place, and it connect one organ to another organ. So, connect ब्लड टिश्यू में बेसिकली क्या होता है, ब्लड टिश्यू में तीन चार चीजें होती है इसके मैट्रिक्स में। इसके मैट्रिक्स में ये जो आप देखेंगे कि अलग अलग चीजें होती है ब्लड में, और ब्लड में बेसिकली जो तीन चीजें होती है वो होती है RBC, रेड ब्लड सेल्स, फिर WBC, और तीसरा होता है प्लाज्मा। ये तीन चीजें मिलकर के ब्लड बनाते हैं। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं बारी बारी। इसके अलावा ब्लड में एक और चीज होता है जिसको हम कहेंगे प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या होता है, और ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये प्लाज्मा जो है ये इसका मैट्रिक्स है, ब्लड का मैट्रिक्स है, फ्लूड मैट्रिक्स है, फ्लूड
फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इस तीनों के तीनों इसी में सस्पेंडेड रहते हैं, इस फ्लूइड मैट्रिक्स में सस्पेंडेड रहते हैं तीनों के तीनों। तो प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों सस्पेंडेड रहते हैं, एक फ्लूइड है इसके अंदर ये तीनों के तीनों क्या होते हैं सस्पेंडेड रहते हैं। तो इस प्लाज्मा मैट्रिक्स में होता क्या है, इसमें होता है सॉल्ट हार्मोन्स हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स प्रोटीन्स, ये सारी चीजें प्लाज्मा मैट्रिक्स में होती है और इसी में ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर मिनरल फूड वेस्ट हार्मोन्स हार्मोन्स वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा, ये सब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे के सारे मिलकर के। और ये फ्लूड मैट्रिक्स जो है ये इसमें ये डब्ल्यू बी सी आर बी सी और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। सो ब्लड में 70% मोर देन 70% 78% वाटर होता है। इट इज ए कंपोजिशन, ब्लड इज ए कंपोजिशन ऑफ 78% वाटर एंड 22% सॉलिड ब्लड में होता है। और ये पूरा ये फ्लूड जो होता है इस फ्लूड के अंदर 22% सॉलिड होता है और 78% वाटर होता है। अब इसमें जो ये इम्बेडेड होते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनके क्या क्या फंक्शन है और ये क्या करते हैं बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की, आरबीसी क्या है और ये क्या करता है। आरबीसी जो होता है उसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, राइट। पूरा नाम इनका ये है, प्यार से हम इन्हें आरबीसी कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। आरबीसी का फंक्शन यह है कि ये ऑक्सीजन को लंग से लेकर के और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ये पहुंचाता है रेड ब्लड सेल्स जो होता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है जो सुनकर के आपको खूब मजा आने वाला है, ये कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इट हैज नो न्यूक्लियस, इस सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और इनकी संख्या आरबीसी की संख्या लाखों में होती है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इनकी संख्या कई मिलियंस होती है, जो एडल्ट है उनकी 10.5 मिलियन से 14.5 मिलियन पर मिलीमीटर के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कितनी होनी चाहिए। सो ये जो है इनकी ब्लड की आरबीसी जो है वो लाखों में होती है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के और इस बॉडी के पूरे ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ये है आरबीसी। अब बात हो गई डब्ल्यूबीसी की, क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ऐसा इसको क्यों कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या ये व्हाइट होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या व्हाइट होता है, नहीं, ब्लड को अगर आप इसमें से आरबीसी निकालने के बाद देखेंगे तो ये कलरलेस लिक्विड बचता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, इसलिए इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स बिकॉज ऑफ इट कलरलेस। ये चार पांच तरह का होता है जिसकी हमने पीछे दिखाई थी आपको, ये होता है इस तरह का, पांच तरह का इसमें होता है, हर एक में इसोनोफिल इओसिनोफिल सॉरी इओसिनोफिल एंड बासोफिल न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स, ये जो है ये पांच तरह के होते हैं।
एक दो तीन चार पांच, ये पांच तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये पांच तरह के आपको मिलेंगे डब्ल्यूबीसी। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, सब में ये न्यूक्लिएटेड होता है, ऑफ कोर्स इसमें न्यूक्लियस होता है, तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये पांचों मिल करके, इनकी अगर प्रोपोर्शनेट बढ़ घट जाती है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। किसी आदमी को बीमार पड़ते ही डॉक्टर कहता है टीसी और डब्ल्यूबीसी इसका टोटल काउंट और डब्ल्यूबीसी इसको कैलकुलेट करो और पता करो कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी की इस इओसिनोफिल अगर बढ़ जाए तो उसको सर्दी जुकाम हो जाती है। इस तरह से अलग अलग चीजों के बढ़ जाने से और कम हो जाने से जो है वो बीमारी अलग अलग होती है। तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम से फाइट करता है। इसलिए एक पहली बात तो ये कहेंगे इसके बारे में कि ये जो है न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट हैज न्यूक्लियस। दूसरा, इट प्रोवाइड्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी का इम्यून सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। और ये ह्यूमन बॉडी में तीन चार दिनों तक जिंदा रह सकता है। इट कैन बी लाइव ए 3 to 4 days in human body में 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। जो तीसरी बात थी वो थी प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है, ये बहुत ही स्मॉल होता है। प्लेटलेट की बात करें तो ये कहें कि ये प्लेटलेट जो होता है प्लेट्स, ये बहुत ही स्मॉल होता है। इसकी रेंज है कि ये किसी का प्लेटलेट देखे होंगे कि प्लेटलेट अगर कम हो जाता है किसी का तो उसे डेंगू होता है, उसकी प्लेटलेट लगातार गिरने लग जाती है तो डेंगू होता है। प्लेटलेट की एक रेंज होती है, ये प्लेटलेट की रेंज है कि एक एडल्ट में 1.5 लाख से लेकर के और 3 लाख के बीच में होनी चाहिए। जनरली 1.05 लाख तक होता है तो आदमी फिर भी नॉर्मल रहता है, उससे कम होता है तो उसको चिंता बढ़ने लग जाती है, इसलिए प्लेटलेट चढ़ा जाता है। तो आप देखे होंगे कि जिन लोगों को डेंगू होता है उनकी प्लेटलेट लगातार गिरती चली जाती है, और प्लेटलेट गिरने से उसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता जाता है। और इसके जरिए क्या होता है कि जब प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है, फिर उसकी डेथ होने की संभावना रहती है। इसलिए डेंगू से इतना लोग डरते हैं। यानी एक ब्लड जो होता है उसको कई सारे उसमें से कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं। एक ब्लड के अंदर से आप चाहें तो एक ब्लड के अंदर से 3 आदमी को ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड में से आप निकाल सकते हैं किसी को आरबीसी की जरूरत है तो उसे आरबीसी सिर्फ चढ़ा जा सकता है, किसी को प्लेटलेट की जरूरत है तो उसे प्लेटलेट चढ़ाया जा सकता है, किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो उसे प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। यानी ये अलग अलग तरह से उसको चीजें चढ़ाई जा सकती है, और ये एक ही ब्लड से एक ही यूनिट अगर आप ब्लड देते हैं तो उनसे 3 लोगों की काम चल सकती है। प्लेटलेट्स चढ़ा सकते हैं, प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं, आरबीसी चढ़ा सकते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो बड़ा ही स्मॉलेस्ट होता है, ये भी इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, और इनकी जो एक नॉर्मल रेंज है वो हमने आपको बता दी। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है बेसिक जानकारी जो चाहिए था हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कि